वो भी हिडन फेस रिकॉग्नाइजेशन, मतलब सामने वाले को पता नहीं चलेगा। फेस आईडी रिक्वायर्ड। मेरे हाथ पे देखो वेबकैम है, मैंने बराक ओबामा की इमेज दी हुई है इसको, ठीक है। मैं इस इमेज से लॉगिन नहीं करने वाला, मैं वेब पे जाता हूँ और कोई दूसरी इमेज से लॉगिन करूँगा, लाइक सेम इमेज है क्या? लॉगिन विद फेस आईडी ऑफ ओबामा। ठीक है, मतलब देख सकते हो काम कर रहा है। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग का डे 18 ऑफ मेकिंग जार्विस। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जार्विस में इतनी सारी चीज़ें डाल के रखी हैं, उसको वेब पे भी डाल दिया, जीपीटी से कनेक्ट कर दिया, ऑफलाइन मॉडल से भी कनेक्ट किया, ऑनलाइन भी डाला, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं और लाइक प्रिटी मच सारी सारी चीज़ें कर पाते हैं जितने भी नॉर्मल टास्क है। और हमने एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मिस करी है, जो कि सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो होना ही ज़रूरी है भाई, मतलब पता चले तुम्हारा जार्विस कोई और ही यूज़ कर रहा है, तुम्हारा कंप्यूटर किसी और के हाथ लगा, तुम्हारा जार्विस से कोई और ही काम करवा रहा है ना। तो कल मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी, आई होप कि आप लोगों ने ज्वाइन किया था। ज्वाइन किया था तो यार कमेंट कर दो, नहीं किया कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वहाँ पे बंदों ने बोला कि भाई फेस रिकॉग्नाइजेशन डालो। मैं गया यूट्यूब पे हमेशा की तरह, मैंने देखा भाई लोगों ने क्या क्या करके रखा है। और बाय द वे मैं एक चीज़ कवर कर देता हूँ, तो लाइक देखो जो हमारा इनिशियल प्रॉम्प्ट था उसको मैंने मिनिमाइज़ करवा लिया है ताकि जो आपको एरर आते हैं वो बंद हो जाएं। और एक चीज़ और कि मेक श्योर अगर आपको कुछ ऐसा सा एरर आ रहा है, G4F मॉड प्रोवाइडर नोवा ए जो कुछ भी है, तो इसको फिक्स करने का सिंपल सा तरीका है, जो मैं अभी कमांड डाल रहा हूँ टर्मिनल में, आपको वही डालना है। आपको ये कमांड डालनी है, पिप इंस्टॉल G4F = 0.1.9.3। उसके बाद अपडेट ही मत करो इसको जब तक मैं ना बोलूँ। और इसको करने के बाद, एक सेकेंड, इसको एंटर करने के बाद मैं सेम फाइल को वापस से रन करूँगा और ये ठीक हो जाएगा। तो लाइक देख सकते हो ठीक हो गया है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊँ। बाकी आप टेस्ट कर सकते हो खुद से, अगर कोई भी एरर आए तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और बाय द वे डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम भी है अपना, तो ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो। कहाँ थे हम लोग, यूट्यूब पे मैं गया, मैंने देखा कि अभी भैया ने कुछ बना के रखा है फेस रिकॉग्नाइजेशन का, मैंने इनका पूरा वीडियो देखा। मुझे पता चला कि हमको इस पर कस्टम मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा मतलब बहुत झमेला है और बहुत अपना काम नहीं होने वाला है, तो मतलब कोड तो हम नहीं चुरा पाएंगे कहीं से। फिर मैंने सोचा GPT से बनवाते हैं, लेकिन फिर मुझे याद आया GPT के पास तो आउटडेटेड डाटा है, पता नहीं कहाँ कोड देगा। हम आए इधर फेस रिकॉग्नाइजेशन 1.3.0 इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, तो हमको इस पर सोल्यूशन मिल गया। लेकिन इसके पहले अपन क्या करने वाले हैं कि ये जो आपका नहीं चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, इमेज जनरेशन, उसको फिक्स करने वाले हैं। आपको क्या करना है, इसकी गिटहब पे आना है, बिंच इमेज क्रिएटर ऐसा सर्च करोगे तो टॉप पे आ जाएगा, ये कॉपी करना है। आपको खोलना है एज ब्राउजर, यहाँ पे ब्राउजर खोलने के बाद आपको क्या करना है, binge.com सर्च करना है, याद से भाई binge.com सर्च कर लेना। उसके बाद ये पेस्ट करना है, एंटर करोगे तो आपको एक कुकी मिल जाएगी, कुकी को आपको पेस्ट कर देना है। कहाँ पेस्ट करोगे, ये कीज के अंदर एक सी नाम का क्या बोलते हैं फाइल है, इसके अंदर पेस्ट करना, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दोगे। और मेक श्योर कि एंटर वगैरह कुछ भी प्रेस ना करो, सिर्फ की ही पेस्ट करके छोड़ देना। कहाँ थे यार मैं बार बार ही भटक रहा हूँ। तो देखो इमेज जनरेशन में थे, तो लाइक इसका मैं डॉक्यूमेंटेशन मैंने खोला और मैं इसके सैम्पल सोर्स कोड पे गया और मैं इसको उठा लेता हूँ। कोड तो आज हम ज़्यादा चुरा नहीं पाएंगे, लेकिन ठीक है, मतलब बेसिक टेम्पलेट है अपने पास। मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा, नहीं तो temp.py में भी काम कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको पहला एरर आ चुका है, एक्चुअली वार्निंग है, हमको फेस रिकॉग्नाइजेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑथेंटिकेशन वाला फोल्डर खोलूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा बराक ओबामा 720, ठीक है। इसका मैं नाम चेंज करूँगा, ओबामा रखूँगा, obama.jpg, ठीक है। वो मैं बताऊँगा मैंने क्यों किया है। सबसे पहले अपन ना अभी के लिए इसको टेस्टिंग के लिए नॉर्मली ऐसे काम करते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ करूँगा मैं, छोटा पाथ होता है भाई। और यहाँ पर मैं आर डालूँगा, आर इन द सेंस कि ये कोई पाथ है, इसमें सेकंड फेस भी है तो अपन को सेकंड फेस तो नहीं चाहिए। आई गेस वी आर गुड टू गो। ये मेरा कैमरा यूज़ करने वाला है, तो मेरा कैमरा कहाँ है भाई मैं देख लेता हूँ, पता चले वीडियो रिकॉर्ड करते करते फेस रिवील हो जाए। अब मैं अगर इसको रन करूँ और लाइक आई होप सो कि हो जाए भाई काम अपना, तो देख सकते हो अपने पास एरर आ चुका है। तो अभी मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ, हमारे साथ हो चुका है स्कैम। स्कैम इन द सेंस कि हमको चाहिए पाइथन 3.8.8 या फिर ऐसा कोई वर्जन चाहिए जिस पर चल जाए, और कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास, मतलब
उसको ना उसको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। हद है यार। तो एक काम करते हैं, पाइथन के साइट पे चलते हैं। Python 3.8.9 मेरा फेवरेट वर्जन, जिससे मैंने पाइथन सीखना स्टार्ट किया था। और कहाँ है भाई ये? एक्चुअली इसे सीखना स्टार्ट नहीं किया था, इससे मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाया था मैंने। हाँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ से 64-bit इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। और मे बी शायद आपको ये ना करना पड़े, मैं आपको इसका exe बना के दे दूँगा। exe बना के दे दूँगा तो फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मतलब मुझे ही करना है भाई, जो करना है लाइक कर दो यार, और स्पेशली भाई शेयर कर दो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे आज मिल चुका है, तो मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ। और लाइक मैं यहाँ पे पाइथन डालूँगा 3.8.9, नाइस। मैं यहाँ पे करूँगा पिप इंस्टॉल। ये तीनों तीनों चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। फेस रिकॉग्निशन सबसे पहले करते हैं, नंपाई वगैरह तो साथ में हो जाएगा। खा जा रहे भाई, अगर मेरा कंप्यूटर शहीद हो गया तो भाई मैं आज वीडियो कैसे डालूंगा। क्या ये भाई, मतलब खाए जा रहा है भाई ये। तो इंस्टॉल हो रहा है फाइनली। फाइनली मेरे कंप्यूटर को थोड़ा बहुत रेस्ट मिला। हद है यार, मतलब 100% में लटका था वो। तो देखो, मैंने बड़ी शिद्दत से कोड ठीक किया है। वापस चलाते हैं। और लाइक कहाँ गया भाई बराक ओबामा? ये रहा, मैंने पाइथन का दूसरा वर्जन इंस्टॉल किया, 3.7 किया, और फाइनली अभी ये काम कर रहा है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग को ये दिक्कत ना आए, तो क्या करता हूँ मैं कि मैं इसका exe बना दूंगा। और एक सेकंड, मैं इसको क्विट करता हूँ पहले। हाँ, जो आपके ऑथेंटिकेशन में इतनी इमेजेस हैं, इसका पहले मैं पाथ लूँगा, रिलेटिव पाथ। फंक्शन होता है लिस्ट डी आई आर। ये क्या करता है कि जितनी फाइल्स हैं उस फोल्डर में सबको लिस्ट करता है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन नहीं, मैं यहाँ पे एक लूप चलाने वाला हूँ, फॉर आई इन ओएस डॉट लिस्ट डी आई आर, लिस्ट डी आई आर। इसके अंदर अपन पाथ पास करेंगे और इसके अंदर भी जाते हैं। नाइस, मैं इसको आर दे देता हूँ इधर से ऐसे। तो मतलब ये जो फोल्डर है अपना ऑथेंटिकेशन, इसके अंदर आप कोई भी इमेज डालोगे तो वो रिकॉग्नाइज होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि फटाक से, मतलब मैं इसको, और ये दो दो वेरिएबल्स हैं, मैं इनको ऊपर पेस्ट करता हूँ। डोंट वरी गाइज, मैं आपको कोड समझाने वाला हूँ कि मतलब एक्चुअल में चल क्या रहा है। सबसे पहले ये दो चीज़ें हटाते हैं, मैं इसको पहले प्रिंट करा लूँगा भाई कि एक्चुअल में मिल क्या रहा है आई, और मैं यहाँ से एग्जिट करा दूंगा। तो रन करता हूँ मैं, देख सकते हो मुझे एक एलिमेंट मिला है जो कि str ऑब्जेक्ट है। तो अभी क्या करने वाला हूँ मैं कि ये जो इमेज है इसको फटाफट से मैं इस लिस्ट में अपेंड कराने वाला हूँ नोन फेस नाम की। बस यहाँ पे हमको थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। लाइक यहाँ पे जाते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐड करते हैं आई, और अभी इनके फेस की इनकोडिंग भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा इमेज, और इमेज और फेस इनकोडिंग। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि जो फेस इनकोडिंग्स हैं इनको अपेंड कराऊंगा मैं, नोन फेस इनकोडिंग्स डॉट अपेंड फेस इनकोडिंग। ठीक है, और नोन फेस नेम में डॉट अपेंड, डॉट से देखो स्प्लिट हो गए, और इसका एरे 1, सॉरी इसका एरे 0। ठीक है, और अगर मैं अब इसको रन कराऊँ तो ये सक्सेसफुली अगर रन हो जाता है, एक सेकेंड मैं इसको हटा देता हूँ पहले। अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको exe बना कर देता हूँ। देख सकते हो नाम वगैरह सब सही आ रहा है, मतलब काम कर रहा है। अभी काम करते हैं कि अगर नोन फेस आ गया तो सीधा इसको क्विट करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे पास करा देते हैं सीधा। और कहाँ गया भाई? लाइक यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, इफ नेम इन नोन फेस नेम, तो तुम क्या करा दो, तुम करा दो ब्रेक। तो आई गेस समझाने का टाइम आ गया है कि हम लोग कर क्या रहे थे इतनी देर से। तो देखो, सबसे पहले तो ये टेम्पलेट कोड है जो कि मैंने उठाया है कहाँ से, फेस रिकॉग्निशन के एग्जाम्पल्स से। सबसे पहले देखो, हमने मॉड्यूल्स वगैरह इंपोर्ट कराया है। फेस रिकॉग्निशन मेन मॉड्यूल है, इसको हमने इंपोर्ट कराया। CV2 इंपोर्ट कराया क्यों? क्योंकि हमको इस पर इमेज प्रोसेसिंग करनी थी। और CV2 क्या करता है कि आपकी हेल्प करता है वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने में या फिर वीडियो कैप्चर करने में। नंपाई इंपोर्ट कराया सपोर्ट के लिए। और OS से इंपोर्ट कराया लिस्ट डी आई आर। तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ऐसे DIR, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारे सारे फोल्डर और फाइल का नाम आ गया। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यही करता है।
और रिटर्न करता है एक लिस्ट में। नेक्स्ट चीज़ क्या करी है, हमने क्या किया है, जितने भी इमेजेस हैं इस फोल्डर में सबका पाथ जो है हमने लिस्ट करा लिया और उसकी फेस इनकोडिंग को हमने अपेंड करा दिया। फेस इनकोडिंग इन द सेंस कि बाइनरी डेटा जो कि हमको मिलेगा इसको इनकोड करने से, हर एक फेस का यूनिक बाइनरी डेटा होता है, तो हमने इसको अपेंड करा दिया है और जो नाम है उसको भी हमने अपेंड करा दिया। उसके बाद स्टार्ट होता है अपना मेन लूप। इसके पहले हमने कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए और हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा फ्रेम है यानी कि जो पूरा लेंथ ब्रेथ होता है उसका हम सिर्फ सिर्फ 25% ही लेने वाले हैं। रीज़न इज़ दैट कि प्रोसेस करने में फास्ट होगा। और उसके बाद देखो हमने बाय डिफ़ॉल्ट नाम दिया है अननोन, कि अगर कोई भी फेस नहीं मिलेगा तो हम अननोन नाम देंगे। ये लूप रन होता है, देखता है, कंपेयर करता है कि जो फेस हमारे पास स्टोर्ड है क्या उनमें से कोई मैच कर रहा है, ठीक है। और लाइक उसके बाद फाइनली हमारे पास ये आता है लास्ट डिस्प्ले रिजल्ट। तो देखो क्या सीन है कि अगर मान लो कि कोई फेस डिटेक्ट होता है या फिर कोई भी फेस डिटेक्ट होता है, भले चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, अगर अननोन होगा तो जो हमने बाय डिफॉल्ट नेम दिया है अननोन वो डिस्प्ले करेगा, अगर अननोन नहीं होगा तो जो हमने नेम इनिशियलाइज किया था पहले फेस नेम्स में वो होगा। और फिर अगर नोन में होगा तो भाई ब्रेक हो जाएगा ये लूप और लास्ट में रिलीज कर देंगे हम, ठीक है। सिंपल सा था। और अगर आप चाहते हो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट कर देना, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ओके, तो आई गेस इमेज डॉट शो के कारण ही ये हो रहा है, तो काम करते हैं इसको हटा देते हैं, मतलब इमेज शो ही मत करो यार तुम। आई एम शो कहाँ है भाई, उसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, इसके जहाँ से इसके जगह बोलूँगा प्रिंट करके देखते हैं, आई होप किस पर ही चल जाए। एक सेकेंड, ये तो चलेगा ही भाई, ये तो पाइथन 3.7 है ना, तो ई एक्स ही बन रहा है ना तो चल रहा है भाई, ये टाइम नंबर 90। तो आई गेस मुझे हटाना पड़ेगा, हट जा भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई गेस अभी चल रहा है, अगर हम बैराक ओबामा, ओके तो रुक चुका है, मतलब ये काम कर रहा है, तो भाई नहीं सो हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस चल जाएगा। आई गेस मैंने सारे सारे एरर जो हैं फिक्स कर दिए हैं। और लाइक अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, एक सेकेंड, बंद हो जाना चाहिए भाई, मेरा वेबकैम रो देगा अब। ओके हो चुका है बंद। अब देखो यार मेरे से मत पूछना यार कि क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने अपना ट्राई किया है। देखो एक्चुअल में ये हमारे प्रोग्राम की कमी है, लेकिन हम इसको फीचर बताएंगे। फीचर हम इसलिए बताएंगे क्योंकि जहाँ मैं एक यहाँ पर मैं फोल्डर बनाता हूँ ऑथेंटिकेशन का, यहाँ पर डालते हैं फेस ऑथेंटिकेशन, और जो अपना मेन फाइल है वहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कराऊंगा, बट इसको मैं फंक्शन बना देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जगह रिटर्न कराऊंगा। ऑथेंटिकेशन ये फंक्शन होगा, कुछ आर्गुमेंट नहीं लेगा, दैट्स इट, और इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। रिटर्न, ओके काम कर रहा है, एक बारी वापस इसको टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरे को रिस्क लेने का इच्छा नहीं है। हिडन फेस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, फीचर है, देखो काम कर रहा है, नाइस। मैं यहाँ से कराऊँगा फ्रॉम, और मुझे क्या करना है, बस फेस ऑथेंटिकेशन को एक बारी कॉल करना है, उसके बाद तुम्हारा फेस ऑथेंटिकेशन होगा, मैं उसके बाद स्पीक करा दूँगा। फेस आईडी रिक्वायर्ड, ओके तो मैंने यहाँ पे क्यों कॉल किया, मैंने यहाँ पे क्यों कॉल किया हुआ है, एग्जिट करते हैं। और ये जो लिखा आ रहा है CV2 का वर्जन, इसको मैं हटाने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने क्लैप कर दिया है, फेस आईडी रिक्वायर्ड, देखो उसने बोला फेस आईडी रिक्वायर्ड। अभी क्या करना है मुझे, लाइक मेरे यहाँ पे वेबकैम आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मुझे अभी क्या करना है, बराक ओबामा की इमेज इसको शो करनी है, क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेशन बराक ओबामा डाल के रखा है, और मैं शो करूँगा, देखो रन हो चुका है। एक काम करते हैं कि यहाँ पे देखो स्पीक करा देते हैं, और यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, देखो आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, आईडी इज इक्वल्स टू दिस,
यहाँ पे मैं आईडी डाल दूंगा और मैं रिटर्न में आईडी करा देता हूँ। मैंने क्लैप कर फेस आईडी रिक्वायर्ड। तो देखो मैंने हाथ पे अपना वेबकैम पकड़ा हुआ है और फेस आईडी मांग रहा है। मैंने अभी बराक ओबामा की फेस आईडी दी है, आप जिसकी चाहो उसकी दे सकते हो। ये रही, तो लाइक मैं ये वाली इमेज नहीं यूज़ करूँगा, मैं वेब से उठाऊँगा इमेज, मैंने खोल के रखा है। और मैं यहाँ पे वेबकैम अपना पास लेके आता हूँ, एक सेकेंड। लॉग इन विथ फेस आईडी ऑफ आईडी। तो देखो हम लोगों ने फेस रिकॉग्नाइजेशन डाल दी है जारविस पे, वो भी हिडन फेस रिकॉग्नाइजेशन, मतलब सामने वाले को पता नहीं चलेगा। फेस आईडी रिक्वायर्ड। मेरे हाथ पे देखो वेबकैम है, मैंने बराक ओबामा की इमेज दी हुई है इसको, ठीक है। मैं इस इमेज से लॉगिन नहीं करने वाला, मैं वेब पे जाता हूँ और कोई दूसरी इमेज से लॉगिन करूंगा, लाइक सेम इमेज है क्या? लॉग इन विथ फेस आईडी ऑफ ओबामा। ठीक है, मतलब देख सकते हो काम कर रहा है।